शुरू कर देगा। उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का यह सत्संग असी शुरू करिए, उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां की वजह के नाल सानू इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, क्योंकि तुसी जानते हो कि जलंधर की कमेटी है सरो सांझा दरबार चैरिटेबल कमेटी ट्रस्ट जो है, एक कमेटी मैंबरां ने अज मदर डे वाले दिन, क्योंकि तुसी जानते हो कि अज मदर डे है, काफ़ी जीवन ने सानू हैप्पी मदरस डे किया सी और साडे वालों भी तुहानू सारयां नू हैप्पी मदरस डे। मदर डे बारे भी गल करांगे पर पहला इन्हां मैंबरां बारे गल कर लईए, क्योंकि जिन्हां दी वजह नाल सानू इह आनंद लैण दा मौका मिल रहा है, जिन्हां ने बड़ा अच्छा बड़े प्यार दे नाल इह सारा इंतजाम किया। इसलिए सब तो पहला तो असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इन्हां सारे मैंबरां नू बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया और सानू सारयां नू इह सत्संग दे विच बैठन दा मौका दिता। और जदों इंसान नू सत्संग विच बैठन दा मौका मिलता है तो समझ लो ये वो मौका हुंदा है, यही वो पल हुंदे है, यही वो घड़ियां हुंदियां है जदों इंसान उस परमात्मा उस प्रभु की रहमत नू उहदी कृपा नू हासिल कर सकता है, और यही वो पल हुंदे है, यही वो घड़ियां हुंदियां है जदों इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और जिंदगी कदों बदलती है, जिस तरह से एक गल कही नहीं कि जदों इंसान की सोच बदलती है तो इंसान का जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए सत्संग या गुरुआ रहवरां की संगत एक वो जगह होंदी है कि जिथे आन दे नाल इंसान की सोच भी बदलती है और इंसान का जीवन भी बदल जाता है। इसलिए अज भी याद रखियो कि बहुत जीवों की सोच मालका ने बदली भी है, जिंदगी बदली भी है और अज बहुत की बदलनी भी है। ये वचन है साडा, की है साडा वादा करते हैं तुहाडे नाल, अगर तुसी दिल की तार जोड़ के बैठोगे तो अज बहुत जीव कहणगे कि वाकई मालको साडा जीवन बदल गया, साडी जिंदगी बदल गई। क्योंकि जिस तरह एक दरिया नू किसे ने किया, एक दरिया नू किसे फकीर ने पूछया कि ए दरिया वो तेरे को इन्ना जल है फिर भी दुनिया ते इन्ने लोग प्यास ना तड़फ रहे है क्यों। दरिया नू सवाल किया फकीर ने कि ए दरिया वो तेरे को इन्ना पानी है इन्ना जल है फिर भी इन्ने लोग दुनिया ते प्यास नाल क्यों तड़फ रहे है, क्यों प्यास नाल मर रहे है। तो दरिया कहता की करा, वो मेरे को पानी तो बहुत है, मेरे को पानी तो बहुत है, मैं सब की प्यास बुझा सकता हाँ, पर शर्त तो यह है कोई मेरे तक पहुंचे तो सही। दसना की चाहते हैं कि मालिक के घर च या फकर फकीर गुरुआ के दर से बहुत कुछ होंदा है, वह रहमत का दरिया होंदा है। तो कई बार इंसान कहता जे फकीर गुरुआ रहवर के कोल और रब के कोल इन्नी रहमत है इन्नी कृपा है तो फिर इन्ने दुख क्यों है। तो फिर उत्थे साडा भी यही जवाब होंदा कि भाई मालिक की रहमत का दरिया तो 24 घंटे वगदा है, पर वो दुखी इंसान परेशान इंसान मालिक के घर तक पहुंचे तो सही, क्योंकि सानू पता है कि जेड़ा मालिक के दर तक पहुंच जाता है फिर वो जिंदगी बदलाव भी जरूर आता है, वो खाली झोलियां भरदियां भी जरूर है। याद रखना हमेशा, इसलिए हर चीज नू हासिल करने वास्ते कुछ ना कुछ तो करना ही पैंदा कि नहीं, ये जवाब तुसी देना है। जिदा असी कई बार दसीदा ना सवाल पूछीदा कि जे गर्मी लगती होवे घर च एसी भी लगा है कूलर भी लगा है पखा भी है फैन भी है, पर जे गर्मी लगती होवे तो फिर बंदा सोचे बैठा बैठा कि गर्मी बड़ी पखा नहीं चल रहा, पखा चल जाए तो सिर्फ सोचण ना पखा नहीं चलना, वो वास्ते कुछ करना भी पैना है। और करना की है, उठना है उन्हें ऑन करना है, वो बटन दबाना है, क्योंकि ऑन करदे ही हवा साढ़े तक पहुँचनी शुरू हो जाती है। सो ये ऐसी एक छोटी जी गल मिसाल क्यों दिती कि अगर पखा भी है बिजली भी है वह ठंडी हवा ऐसी लैनी हो तो वो वास्ते भी सानू बटन तक पहुँचना ही पैंदा है, फिर ही ठंडी हवा का लुत्फ नज़ारा आनंद ऐसी लै पाते हैं। तो जे बंदा
ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਰੱਬਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਟਨ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੋਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਟਨ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਹੈ ਮਦਰਸ ਡੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 12-1 ਵਜਣਾ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸੌਂਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਬੀਜ ਬੋਤਾ ਹੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰ ਔਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਸੋਤਾ ਹੂੰ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੋਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਕਰਮਟਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਹਾਏ ਆਹ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਹ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ
या कि चीज का प्रकाश सब तो बड़ा है। तो कई ने जवाब दिता, क्योंकि मौलाना रूमी ने जो पूछा ना किसी प्रेमी ने, तो मौलाना रूमी ने कहा तुम जवाब दो बी, किसी ने कहा जी सब तो बड़ा प्रकाश तो सूरज का है, समझते हो कि नहीं। और जो तुम्हें पूछिए शायद यही अंदरों निकल के सब तो बड़ा प्रकाश तो सूरज का है, एक सूरज चढ़ता है तो अंधेरे दूर हो जाते हैं। तो उसले मौलाना रूमी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहें सब तो बड़ा प्रकाश सूरज का नहीं है, सब तो बड़ा प्रकाश तो विश्वास का है। क्योंकि कई बार सूरज तो चढ़िया होंदा पर इंसान ना उम्मीदी के अंधेरे में दुखों के अंधेरे में तड़फता है, पर जो विश्वास का प्रकाश अंदरों चढ़ता है तो रात को भी इंसान रस्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं। यानी जिन्नी मर्जी दुखा तकलीफा की अंधेरी रात होवे, जदों दे अंदर विश्वास पैदा होंदा है तो उसका विश्वास अंधेरी रात में भी उन्हें एक रस्ता दिखा देता कि तैनू डरन की लोड़ नहीं, विश्वास रख अपने मालिक ते, तैनू मंजिल जरूर मिलेगी। कहिंदे विश्वास का प्रकाश सब तो बड़ा होंदा है। हुण जरा सोचो, एक इंसान ना उम्मीद होकर बैठा है, दुखी होकर बैठा है, परेशान होकर बैठा है, जिदा समझ लो कि किसी नूं कोई बीमारी है। हुण सिखर दुपहरा है, सूरज सिर ते है, पर वो बैठा उदास होके, वो बैठा है निराश होके। भाई उदास क्यों है? भाई मैनू तो चारों पासे परेशानियां नज़र आ रही हैं, ये दुखों का अंधेरा ही नज़र आ रहा है। तो कोई पूछे जे सब तो बड़ा प्रकाश सूरज का है तो फिर इस वेले ये दुखों के अंधेरे च क्यों फसिया होया है? तो उसे ही नूं जदों एक उम्मीद की एक विश्वास की किरण मिल जाती है कि फिक्र ना कर, तो फिर तुसीं देखो कि एक उम्मीद एक विश्वास जदों किसे इंसान नूं मिल जाती है तो इसी तरह जिदा किसी डुबदे हुए नूं सहारा मिल जाए और वो किनारे ते आ जाए। इसलिए असी ये शेर में गल कही है कि सबके दिलों में विश्वास के बीज बोता हूँ। इसलिए अज तुहाडे दिलों च भी विश्वास के बीज बोने हैं। कभी ना उम्मीद नहीं होना अपने मालिक की रहमत तो, हमेशा अपने मालिक की रहमत पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। सबके दिलों में विश्वास के बीज बोता हूँ, भरोसा रखता हूँ अपने मालिक पर और आराम से सोता हूँ। अज तो तुसी भी ये लाइन अपने दिल च लिख लेनी है कि अपना जीवन इदा का बनाइए कि सानू खुद नू तां विश्वास होवे ही अपने मालिक ते, उहदे नाल नाल असीं दूजे अंदर भी विश्वास पैदा कर दईए। जे दूजा कोई ना उम्मीद होवे या दूजा कोई उदास होवे, चिंतित होवे कि मेरा की बनेगा, तां उहनू भी हिम्मत दिओ, हौसला दिओ, उहदे अंदर भी विश्वास का वह बीज बो दिओ कि तुहानू मिल के उहदी ना उम्मीदी भी उम्मीद विच बदल जावे, उहदी निराशा भी आशा विच बदल जावे और उहदी उदासी भी खुशी विच बदल जावे। समझदे हो कि नहीं? इहले हस के दिखाओ जरा। ऐदा मुस्कुराना है जिंदगी च, क्योंकि हमेशा दसीदा है कि जिंदगी उही जिंदगी है जिच मुस्कुराहट होवे। और जिस तरह असीं दस रहे सी कि मदर डे, थोड़ी जिही तकलीफ हुंदी है दिल नूं, उह तकलीफ कहड़ी हुंदी है कि जदों लोग कहिंदे ना हैप्पी मदरस डे, असीं सोचदे साल च 365 दिन हुंदे है, एको ही दिन नूं क्यों कहा जांदा हैप्पी मदरस डे? कि एको ही दिन असीं अपनी माँ नूं हैप्पी करना है या अपनी माँ बाप नूं खुशी देनी है या एको ही दिन असीं इहनां बारे सोचना है? बल्कि जे असीं अपनी जिंदगी नूं देखिए तां साडा तां हर दिन ही मदर डे हुंदा है, क्योंकि हर दिन ही असीं अपनी माँ दे कदमां 'च सिर रखीदा है, हर दिन ही अपनी माँ नूं देख के मुस्कुराईदा है। इसलिए असीं कहना की चाहते हैं कि तुसीं अपना जीवन इदां दा बनाओ, अपनी करनी इदां दी बनाओ, अपने आप नूं ऐसा बनाओ कि तुहानूं 365 दिनों बाद एक दिन अपनी माँ नूं खुश करन वास्ते कोई इदां ना करना पवे कि मम्मी अज हैप्पी मदरस डे है, अज ते तैनूं मैं खुश करना, आ जा केक कटीए। बल्कि तुहाडे माता पिता तुहाडी करनी नूं देखण तां उहनां दा दिन, उहनां दा दिल ना हर दिन ही खुश होवे कि वाकई मेरे बच्चे मेरे नाल प्यार करदे, हर रोज़ उठदे है, ये साडा सत्कार करदे है, साडे नाल प्यार करदे है। तां जरा हुण गौर करो, जिहड़ा हर रोज़ ही अपने माता पिता नूं खुशी देगा उहदा तां हर दिन ही फादर डे भी हो गया और मदर डे भी हो गया। हो जाता कि नहीं? कि यह बन सकता कि नहीं? समझते हो कि नहीं? क्योंकि ये जो ना मदर से यह तो जो बाहरलियां कंट्रियां, आप कहिए यूरोप कंट्रियां या बाहरों, उन्होंने को की हुंदा है कि बच्चे 18-19 साल के होंगे तो माँ बाप तो अलग रहना शुरू कर देंगे, माँ बाप तो अलग रहना शुरू कर देंगे, फिर माँ बाप इधर है, बच्चे अपने कमां ते है, अपना है, तो फिर वो कहिंदे एक दिन रखांगे जो माँ बाप को जावांगे, उन्होंने मिलांगे, उन्होंने नाले पूरा दिन बितावांगे। पर असीं चाहवांगे कि तुसीं अपनी जिंदगी इदां दी बनाओ कि जे तुसीं दूर भी बैठे हो तो हर रोज़ अपने माँ बाप के संपर्क च रहो, अपने माता पिता नूं खुश करन दी कोशिश करो,
क्योंकि जिहड़ा अपने माता पिता नूं खुश कर लैंदा, अपने माता पिता का दिल जित लैंदा है, तां फिर इह वी गल कहनी चाहवांगे कि माता पिता का दिल जिहड़ा जित लैंदा, समझ लो परमात्मा का दिल जित लैंदा है, वह प्रभु का दिल जित लैंदा है। क्योंकि एक शब्द के अंदर असीं दसना चाहवांगे कि अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है कि रहमत मिले खुदा की और खुद खुदा मिले, अगर तू चाहता है कि रहमत मिले खुदा की और खुद खुदा मिले, तो फिर काम करो ऐसे कि सबकी दुआ मिले। ये गल याद रखना, अगर ऐसी चाहते हैं कि सानू वो रब की रहमत मिले, वो रब की कृपा मिले, साडे जीवन च खुशियां दा रंग भर जावे और सानू साडा प्रभु भी मिल जावे, परमात्मा भी मिल जावे, तो ये याद रखो कि परमात्मा नू अपना बनाना है, उदी रहमत नू हासिल करना है, तो सानू कर्म ऐसे करने पैणगे, अपने जीवन नू ऐसा बनाना पएगा कि दूजियां दे मुख चों, दूजियां दे दिल चों साडे वास्ते दुआई निकले। हुण इत्थे तां इस शब्द अंदर दस्सिया कि काम इदां दे करो कि सबकी दुआ मिले, तो जे हुण बंदा सारी दुआ नहीं लै सकदा, कम से कम इदां दे काम तां करे कि अपने माता पिता की दुआ लै लवे। वैसे तो माता पिता दिल चो हमेशा दुआई निकलती है, ता ही तो एक लाइन पढ़ी दी है, बड़ी प्यारी लगती है सानू कि तू रब को यह मंग के रब्बा मेरे माँ दिया सारिया दुआवां पूरियां कर दे, तैनू अपने वास्ते मंगण की लोड़ नहीं, क्योंकि तू माँ दिया दुआवां दे वास्ते मंग लिया तो माँ दिया सारिया दुआवां बच्चों वास्ते ही होंदियां, तैनू अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए असी अपने जीवन में ऐसा बनाना है कि साडी करनी ऐसी होवे, साडा कर्म ऐसा होवे, क्योंकि फिर तुहानू कहांगे कि तुसी पूरी दुनिया नू नहीं बदल सकते, तुसी दूसरा की कर रहा है उन्हूं नहीं बदल सकते, पर तुसी अपने आप नाल बहुत कुछ कर सकते हो। जिदा कि बहुत पुरानी कहानी है, तुसी सुनी होएगी, पर इत्थे असी थोड़ा सुनाना चाहवांगे तुहानू। एक बार ना एक राजा सी, एक बार एक राजा सी, तो राजा बीमार हो गया। जो बीमार होया तो बीमारी की सी उसनू, कि उदिया अखा च बड़ी जलन हो रही सी, यानी अखा की प्रॉब्लम हो गई उन्होंने, जिधर भी देखता सी अखा जल उठदिया सी, बड़ी तकलीफ सी उसनू, राजा अखा खोल नहीं पाता सी। तो राज वैद नू बुलाया गया, राज वैद नू बुलाया गया, जो राज वैद आया तो उसने आके राजे नू देखिया, उदी अखा नू चैक किया, चैकअप किया अच्छी तरह, तो उन्होंने कहा कि महाराज दरअसल तुहानू एक अखा की इदा की बीमारी हो गई है कि तुसी जे हरे रंग तो सिवा कोई होर रंग देखोगे तो तुहाड़ियां अखां च जलन होनी है, हरा रंग देखोगे तो तुहाड़ियां अखां नू ठंडक रहनी है, पर जिद्दे ही तुसी हरे रंग तो इलावा कोई रंग देखिया तो अखां तुहाड़ियां जलनियां शुरू हो जाणियां। कह के राज वैद ने हरे रंग का कपड़ा अखां मोहरे किया कि महाराज देखो, जिद्दे ही राजे ने देखिया अखां ठीक, उन्हें कपड़ा हटाया, जिद्दे ही दूजा रंग देखिया, दूजी चीज़ देखी अखां फिर जलनियां शुरू हो गई। राजा बड़ा परेशान हो गया, तो हुण राजे ने हुक्म किया अपने वजीरां नूं कि इदां करो कि अगर हरा रंग ही मैनूं चैन देण वाला है, आराम देण वाला है, तो पूरे महल नूं हरा रंग कर दिओ, सारे पासे हरे मैट होण, हर पासे हरा ही हरा होवे, हुक्म कर दिता उन्हां वजीरां नूं। हुण राजा सी, पैसे की कोई कमी नहीं सी, देखदियां देखदियां पूरा महल हरे रंग च, इत्थे धरती ते भी हरा रंग कर दिता गया, जिथे मैट बिछ सकदे मैट बिछाते, पेड़ां नूं भी हरा रंग कर दिता गया, यानी पिलरां नूं हर चीज़ नूं हरा रंग। हुण जिधर भी राजा जांदा सी धरती नूं हरे जां तां रंग नाल और जां फिर उत्ते हरे कालीन हरे कपड़े बिछा दित्ते जांदे सी तां कि राजे नूं तकलीफ ना होवे। हुण इत्थे तक सी कि राजा रोटी भी खांदा सी तां रोटी भी जां तां उहनूं अखां बंद करके खानी पैंदी सी या रोटी ते भी कोई ऐसा सिस्टम करना पैंदा भी हरी दिसे, हरी होवे। समझना जरा सारिआं नूं। हुण जदों इदां राजे दी जिंदगी चल रही है, खर्चा बड़ा हो रहा है, क्योंकि जिधर जाना हरा रंग करो, पेड़ां नूं भी हरा, घरां नूं भी हरा, जिन्नी प्रजा है, जे राजे ने सैर करन जाना तां पूरे नगर च सारिआं दे घरां नूं हरा रंग करा दित्ता गया, रथ नूं भी हरा, घोड़िआं नूं भी हरा, हरा ही हरा हो गया सारे पासे। एक दिन की होया कि एक फकीर उस नगर च आया, जो फकीर नगर च आया उन्हें आके देखा, कमाल की गल है, सारा नगर हरा ही हरा है, धरती भी हरी, पेड़ पौधे भी हरे, घर भी हरे, ये तो शुक्र है कि आसमान से बस नहीं चलता, नहीं तो आसमान भी हरा हो जाना सी। समझ ना जरा, फकीर बड़ा हैरान, पूछया किसी नूं, भाई ये हरा ही हरा क्यों चारों पासे?
ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ। ਫਕੀਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ ਫਕੀਰ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਓ ਫਟਾਫਟ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਫਕੀਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐ ਰਾਜਾ, ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਦਵਾਖਾਨੇ ਮੇਂ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ ਮਿਟ ਜਾਤੇ ਹੈ ਫਕੀਰੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਆਨੇ ਮੇਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਫਕੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਵਰਨ ਮੁੰਦਰਾਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਕਰਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਰੰਗ ਕਰਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਖਰਚ ਆਏਗਾ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਫੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਔਰ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕ ਸੀ ਹਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ ਹਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹਤੇ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਲਿਪ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਮੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਪਣਾ ਭਾਈ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਮੜਾ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚਮੜੇ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ
कि किसी की गल का साढ़े ते प्रभाव असर होवे ही ना। कोई कहे ना कि भाई ये कंडे की तरह गल्ला करता चुभवियां गल्ला, वह कही भाई तुहाडे वास्ते चुभवियां होणगियां पर सानू साढ़े मालिक ने मुरशद ने अंदरों इन्ना स्ट्रोंग कर दिता कि कंडे दी गल्ला भी टुट जाणगियां, साडा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन्ना अंदरों मजबूत होना चाहिए सानू। इसलिए बदलाव किथे लियाना है, अपने अंदर अपनी सोच विच। इसलिए अज इंसान अगर अपने जीवन बारे सोचे कि मेरे जीवन च आ परेशानियां है, मेरे जीवन च आ मुश्किल है, तो हुण याद रखो अज एक मुश्किल है, कल दूजी भी आनी है, परसों नूं तीजी भी आनी है। आने वाले समय जब तक जिंदगी है हर मोड़ ते हर दिन कोई ना कोई मुश्किल तो आनी है। तुसी मुश्किलों तो नहीं बच सकते, पर तुसी अपने आप नूं ऐसा जरूर बना सकते हो कि उन्हां मुश्किलों का प्रभाव असर तुहाडे ते कह दिओ ना होवे। समझते हो कि नहीं? इसलिए अपने आप नूं तुसी जरूर ऐसा बना सकते हो। इसलिए तो असीं एक शेर कहीदा है, इत्थे भी कहना चाहवांगे कि भरोसा करो, भरोसा करो मालिक पर इतना पैदा, भरोसा करो अपने मालिक पर इतना पैदा के मुकद्दर और किस्मत का डर दूर हो जाए। क्यों कई बड़ा होंदा पता नहीं मेरी किस्मत होना है या नहीं होना, पता नहीं मेरे मुकद्दर च लिखिया है या नहीं, पता नहीं आ चीज़ मैनू मिलनी है या नहीं। कई ना किस्मत के भरोसे तुरे रहते हैं, मुकद्दर के भरोसे तुरे रहते हैं, पर असी कहां किस्मत पर भरोसा ना करो, मुकद्दर पर भरोसा ना करो, बल्कि भरोसा करना है तो जिसने जिंदगी दिती है, जीवन दिता है, उस मालिक पर भरोसा करो। समझते हो कि नहीं? क्यों? जरा गौर करना, ये लाइन तुसी याद रखनी है कि भरोसा करो अपने मालिक पर इतना पैदा कि मुकद्दर और किस्मत का डर दूर हो जाए, खुद में साहस और जिद करो ऐसी पैदा कि खुदा भी देने पर मजबूर हो जाए। अंदर का जिद ही ऐसी होनी चाहिए बंदे दे। जिद का मतलब होंदा मैं मेहनत वो करन नूं तैयार हाँ, मैं कर्म वो करन नूं तैयार हाँ कि रब नूं भी देण ते मजबूर होना पै जाए। जरा हुण गौर करना, कहिंदे ख्वाजा गरीब नवाज ना जिहड़े अजमेर वाले से मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हां नूं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि अजमेर दरबार से शायद कोई गया होवे दा नाम तो सारे ने सुनिया है कि हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जदों उन्हां दी उम्र 14-15 साल की सी, उन्हां दे पिता का इंतकाल हो गया, तो उन्हां दे हिस्से ना उस वेले एक बाग था, बाग दे विच पंज चक्की सी, पंज चक्की कह दिंदे कि वह चक्की चलनी है तो पानी निकलना तो बाग नूं पानी मिलना है। तो कहिंदे 14-15 साल की उम्र च, 15-16 साल की उम्र च ना बाग की रखवाली करते होंदे सी, सिंपल जी जिंदगी जी रहे सी, नॉर्मल जी जिंदगी जी रहे सी। बाग का जिदा माली हुंदा है, वह माली वाला काम कर रहे सी कि बाग दे पेड़ां नूं सींचना, पौद्यां की रखवाली करनी, अंगूरां दे गुच्छे लगने उन्हां दी रखवाली करनी। एक दिन की होया, हुण दसना चाहते कि फकीरां दी सोबत दे नाल इंसान की जिंदगी किदां बदलती है, इंसान का जीवन किदां बदलता है। कहिंदे एक दिन जदों मुइनुद्दीन बाग दे विच काम कर रहे सी, पेड़ां नूं पानी दे रहे सी, पौद्यां नूं पानी दे रहे सी, तो उत्थे एक फकीर आ गए जिन्हां दा नाम सी इब्राहिम कंदूजी। वह मस्त फकीर सी, मस्त फकीर, तो कुछ बच्चे उन्हां नूं बड़ा परेशान कर रहे सी, बच्चे उन्हां दे मगर ना पागल बाबा कह के उन्हां तंग जिहा कर रहे सी। जदों मुइनुद्दीन जी ने देखिया कि बच्चे इस फकीर नूं परेशान कर रहे, उन्हें बच्चों डांटिया कि हटो बच्चों परेशान ना करो, ये रब का फकीर है, तंग ना करो इसनूं। हुण दसना चाहते हैं असीं कि मुइनुद्दीन कित्थों कित्थे किदां पहुंचे। समझते हो कि नहीं? क्योंकि फकीरां ते सोबत या फकीरां दी रहमत इंसान नूं कित्थों कित्थे लै जांदी है। हुण जदों बच्चियां नूं डांटिया तो उन्होंने वह फकीर इब्राहिम कंदूजी नूं बिठाया पेड़ दे थले, जो चादर सी बिछाई के मारे इत्थे बैठो और मैं बच्चों वालों माफ़ी मंगता, पता नहीं है शरारती बच्चे क्यों तुहानूं परेशान कर रहे से। इब्राहिम कंदूजी मस्त फकीर सी, जदों देखिया तो बड़ा मुस्कुरा के देखिया मुइनुद्दीन की तरफ, उस नौजवान मुइनुद्दीन की तरफ मुस्कुरा के देखिया। मुइनुद्दीन दौड़ के गए एक प्याले च पानी और कुछ मिठे मिठे अंगूरों के गुच्छे, क्योंकि पता होंदा बंदे नूं कि आ पके हुए है मिठे है, वह गुच्छे तोड़ के लिया के फकीरां दे सामने रखे, कहिंदे लो महाराज खाओ। हुण फकीरां दी जदों सेवा कीती ना, वह फकीर बड़े खुश होए उन्हां दी इह भावना देख के, और फकीरां ने अंगूर खाधे पानी पीता और पुछिया बेटा तू करदा की है,
वो कहता जी मैं इस बाग का माली है, मैं इस बाग की देखभाल करता हाँ क्योंकि मेरे पिता का इंतकाल हो गया और मेरी वसीयत में मैनू यह बाग मिलया है और मैं ये देख रेख करता हाँ। तो उस इब्राहिम कंदूजी ने एक गल कही कि बेटा तू ये बाग की रखवाली करने वास्ते पैदा नहीं होया, जो मैं तेनू देख रहा तेन तो बहुत उच्ची मंजिल से खुदा ने लैके जाना है। तेरा हुण गौर करना, गल बड़ी समझने वाली है कि तेनू बड़ी उच्ची मंजिल से लैके जाना है। तो उस वेले मुइनुद्दीन ने कहा पर हजूर मैं तो एक बाग का रखवाला हाँ, माली हाँ, मैं की कर सकता हाँ। वो कहिंदे तू कुछ नहीं कर सकता पर जे वो रब की रहमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ये पॉइंट नोट करना, तुसीं समझदे हो कि नहीं? कई बार बंदा सोचता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है तू कुछ नहीं कर सकता, पर एक शक्ति ऐसी है जो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बस जरूरत तो उसते विश्वास रखने की है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिदा पहला दसिया ना, अगर चाहते हो कि रहमत मिले खुदा की और खुद खुदा मिले तो फिर काम करो ऐसे कि सबकी दुआ मिले। कि अगर असं उदिया रहमत चाहते हो, कई बार देखिए बंदा रहमत तो चाहता है पर कम उदा दे करता नहीं है जिहड़ा उहदी रहमत सानू मिल सके, क्योंकि उहदी रहमत नू लैण वास्ते कर्म भी सानू वैसे ही करने पैंदे हैं। हुण देखो मुइनुद्दीन ने कर्म की किया, फकीरां दी खिदमत की, सेवा की। हुण जदों इब्राहिम कंदूजी नू प्याला और अंगूर दिते खाधे और पुछिया बेटा तू करता की है, मैं जी बाग की रखवाली कर दो, कहिंदे तू इस बाग की रखवाली वास्ते पैदा नहीं होया, तैनू बहुत उच्ची मंजिल मिलनी है। वह कहती मैं की कर सकता, मैं तो सिर्फ एक माली हाँ, इतने बाग का राखा हाँ। वो कहते तू कुछ नहीं कर सकता पर उसकी रहमत सब कुछ कर सकती है। कह के इब्राहिम कंदूजी ने ना एक फकीर ने अपनी जेब चो एक रोटी का टुकड़ा कढ़िया और बुले शाह बड़ी प्यारी गल कहते, कहते फकीर के हाथ में शिफा है। की है फकीर के हाथ में शिफा का मतलब की होंगे? ये तो खुशियां भी आ जाए, तंदुरुस्ती भी आ जाती, रहमत भी आ जाती, बरकत भी आ जाती है। कहते फकीर के हथों तो जो कोई चीज़ मिलती है तो चिक शिफा होंगी है, उस चिक रहमत होंगी है। जो वह इंसान तक पहुँचती है तो वह चीज़ नहीं पहुँचती, रब दी रहमत वो पहुँच जाती है। ये गल याद रखना हमेशा। ता ही तो असं एक बुले शाह का शेर कही दा इत्थे भी कहना चाहवांगे कि ना समझी खाली हथ फकरां दे, इन्हां हथां च बड़ी तसीर यारा, जद मथे ते हथ रख देन फकर बदल जांदी है लिखी तकदीर यारा, चोली अड्डी खड़े दर फकरां दे, कई बादशाह कई अमीर यारा, देख फकरां नूं अल्लाह दा दर्श पावे, फकर अल्लाह दी है तस्वीर यारा। वो कहिंदे फकीर अल्लाह दी तस्वीर हुंदे है क्योंकि उन्होंने हत्थों को कभी खाली ना समझो। ये गल हमेशा याद रखना, नहीं तो अज तुसी ना सर्च करके देखना, अज साइंस भी मानती है कि हर इंसान की बॉडी की एक अलग एनर्जी होंगी, अलग ऑरा होंदा है, कभी ऑरे बारे पढ़ के देखना। समझदे हो कि नहीं? कि जिन्ना इंसान अंदरों अच्छा होंदा, पॉजिटिविटी ना भरपूर होंदा, उन्ना ही उहदा जिहड़ा ऑरा होंदा ना पॉजिटिव होंदा है, कि उहदे संपर्क च जिहड़ा भी आंदा है ना उहनूं भी उहदा लाभ होना शुरू हो जाता है। ये गल याद रखना हमेशा, क्योंकि अज कुछ चीज़ों साइंस ने भी मान लिया है, स्वीकार किया है कि तुहाडे अंदर अगर विश्वास है, तुहाडे अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो उहदा फल तुहानू बहुत मिलता है। जरा गौर करना, इसलिए अज तुहानू एक गल कहांगे कि मज़ा तो फिर है ना कि अज तुसी भी ये सारिया शंकावां दे चिंतावां दे जिहड़े अंदर ना बूटे है इन्हां नूं पट के सुटीए और अज असीं भी अपने अंदर विश्वास का बूटा ला के जाइए। जिदा कहिंदे ना अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी मुरशद मन विच लाई हो, ये वो बूटी हुंदी है कि जदों अंदर विश्वास की बूटी लग जाती है, प्रभु के प्रेम की बूटी लग जाती है, तो फिर इंसान का रोम रोम खुशियां आनंद सफलता की महक नाल भरपूर हो जाता है। समझना जरा सारिया ने। हुण जिस वेले इब्राहिम कंदूजी ने वह रोटी कहिंदे मुइनुद्दीन नूं दित्ती, जदों देन लगे तो फिर पता नहीं की ख्याल आया उन्होंने, वह रोटी की बुरकी पहले अपने मूँह च पाई और फिर मूँह चो कट के कहिंदे लै हुण खा लै, हुण खा लै। जिसले मुइनुद्दीन ने रोटी लैके ना मूँह च पाई, जिते मूँह च पाई तो कहिंदे अंदर इदां दा इश्क पैदा हो गया खुदा दा, वह परमात्मा दा, वह प्रभु दा, कि अंदर दा आलम ही बदल गया, अंदर दी सोच ही बदल गई उन्हां दी। हुण जरा समझना, उन्हां दी अखां बंद हो गई क्योंकि इहनूं कहिंदे बूटी लाना दिल दे विच, प्यार दी बूटी, इश्क दी बूटी। जदों अखां बंद हो गई और किन्नी देर
ਉਹ ਕਿਸ ਮਸਤੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੰਦੂਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਕੀਰ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਮਾਨ ਹਰੂਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਹਰੂਨੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਸਮਾਨ ਹਰੂਨੀ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਗ ਤੱਕ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਲ ਬਲੀ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੁਲ ਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਐਨਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਡਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ 1992 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੁਜਮੇ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੇ ਜਲਵਾ ਯਾਰ ਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮਮਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ 24 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰ ਇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰ
और किस्मत का डर दूर हो जाए। खुद में साहस और जिद करो ऐसी पैदा कि खुदा भी देने पर। आवाज घट आई है, मजा तो फेरी है ना। अज असी एक होर राज की गल दसीए जी कदी कदी दस दे दी है कि असी जो रब की बंदगी कर बैठते होंगे सी ना पहला शुरू च, असी हमेशा रब न एक गल कहनी कि ऐ मेरे मालिक ऐ परमात्मा ऐ प्रभु साढ़े ते तरस करके कभी ना आई। समझते हो कि नहीं? क्योंकि एक बंदा होंदा ना जिदा तुसी देखते हो कि रास्ते तुसी खड़े हो गड्डी लैके तो कई अपने इदा खून ला लेंदे है या इदा पट्टियां कर लेंदे कि बंदे देख के तरस आ जाता, दे दो यार 100 दे दो इन्हों, वो तरस करके देना होंदा है। समझते हो कि नहीं? और दूजे पासे एक इंसान होंदा मेहनत इदा दी करदा है, वो कम इदा दा करदा कि साडा देण नूं होंदा कि भाई इहदी मेहनत है, ये इस लायक है, इसलिए इहनूं देना मैं। ऐसी भी कोई गल अपने मालिक नूं कही दी सी कि ऐ मेरे मालिक ऐ परमात्मा जद भी आना है ना तो साढ़े तरस करके ना आई। समझते हो कि नहीं? दया करके ना आई, बल्कि जद भी आना है तो उदों आई जदों असी इस लायक होवांगे कि तैनू खुशी होएगी कि मेरा बच्चा मेहनत इन्नी कर रहा हूँ मैं जाना ही है इहदे कोल। कर्म ऐसे हो साडे, समझते हो कि नहीं? तुसी अपने अंदर एक जिद इदा दी पैदा कर सकते हो, साहस इदा दा पैदा कर सकते हो। जिद दा मतलब है कि मैं जे आ टारगेट सोच लिया ना तो हुण मैनू अपने मालिक ते विश्वास है और मैं कोशिश करनी और जब तक मैनू ये मिल नहीं जाना मैं हार नहीं मन। जिद्दी इहनू कहा जांदा ना, पर देखिया कि बंदा अपनी जिद नू भी ना बुरे पासे बड़ा ला लैंदा। जिद करदा मां बाप ना मैं मोटरसाइकिल लैना है, मैं गड्डी लैनी, मैं ये करना, मैं वो करना है। हलो समझदे हो कि नहीं? और कहिंदे जिद करनी तां ओह जिद करो जिह च तुहानूं कामयाबी मिले, तुहानूं खुशियां मिले। ओह जिद की करनी कि अपने माता पिता ते जीना ही असीं हराम कर दईए, अपने माता पिता नूं तकलीफ दे जाइए। कई बार इंसान कहिंदा है काश मेरे माता पिता को इन्ना पैसा होंदा कि मैं ऐश करदा, पर अहीं कहिंदे मजा तां फिर है ना कि तुसीं काम इन्ना करो, मेहनत इन्नी करो कि तुहाडे माता पिता ऐश करन। मजा देने च जिंदगी तां इह है। समझ आ रही कि नहीं? खुद नहीं करनी साड़ी ऐसी होनी चाहिए है, खुद कर्म साड़े ऐसे होने चाहिए कि रब नूं भी देण ते मजबूर होना पै जावे। बोलो समझदे हो कि नहीं? कहिंदे ना हजरत बू अली कलंदर पानीपत उन्हां दा दरबार है, पिछे जे उन्हें दरबार ते जाण दा संगत नाल साडा दिल्ली सत्संग सी उत्थे जाण दा मौका मिलिया ते असीं देखिया कि उन्हां दे जीवन च ना कहिंदे बू अली कलंदर बड़े जिद्दी सी। किसे ने कहता ओह बू अली तैनूं खुदा नहीं मिलना, तां बू अली कहिंदे अच्छा खुदा नहीं मिलना हूँ तो पा के रहूँ। कहते जिद की जमुना नदी अंदर जाके गले तक खड़ गए, 12 खड़े रहे उत्थे कि हूँ तो जा तो पा के निकलू जा फिर जान जाएगी। जिद हो ऐसी कि जे मैं इस चीज़ को हासिल करना कोई कहता तू नहीं कर सकता तो जिद बनाओ हूँ मैं करके दिखाना है, पर अच्छा कर्म होना चाहिए है। बोलो समझते हो कि नहीं? इदा की जिद ना हो 4 दोस्त बैठे लै तू दारू नहीं पी सकता, लै पी के दिखाओ हूँ तेन, तू नशा नहीं करता करके दिखाओ। इदा दी जिदा कह लो बुरियां जिदा नहीं करनियां जिन्ना जिंदगी बर्बाद होवे, जिदे नाल जीवन बर्बाद होवे, वह कर्म नहीं करने, बल्कि कर्म वो करने कि जे कोई तुहानू कहे ओए ते तो नशा नहीं छुटना, तू शराब नहीं छड़ सकता, तू जिटन लै कह दिता देख वे अज मैं छड़ के दिखाऊ। मजा तो यह है ना, मजा तो यह है कि जो साडे अंदर कमियां है जे कोई कहे ओए तू इन्ना डरदा है भूतां प्रेतां तों जादू टूणियां तों ये डर नहीं तेरा कदी जाना, लै अज तो सारे डर छड़े विश्वास करना शुरू करता अपने मालिक का। जे कि टूना हो चको नींबू आ लै लै चक लिया कर लै की करना हूं, मेरे अंदर विश्वास ही इन्ना अपने मालिक से कि मैं इन्होंने चीज़ों तो डरना बंद किया। सो अज तो तुम भी जिद्दी बनो थोड़े जे, पर जिदा दसिया जिद वो नहीं होनी चाहिए सानू गिराने वाली, ये जिद होनी चाहिए सानू उठाने वाली, सानू साडे मालिक के नेड़े लैके जाने वाली। कि अज तो मैं विश्वास करन की जिद पैदा करनी कि मैं किसी चीज़ तो नहीं डरना, मैं अपने मालिक से भरोसा रखना है, मैं ये जिद पैदा करनी कि जे मेरे रास्ते कोई रुकावट आती भी है कोई मुश्किल भी आती है तो मैं जिद करता कि मैं कभी हार नहीं मननी, मैं हर मुश्किल का सामना करके अपनी मंजिल नूं पा के दिखाना है। अंदर बच्चे सानू कह रहे थे मालिको पेपर है डर बड़ा लगता है, दादा हुण गौर करो और जिद पैदा करो अपने अंदर कि मैनू अपने मालिक से विश्वास है, मैं मेहनत करनी, मैं भी जिद्दी हाँ, पास होके दिखाऊँ, कामयाब होके दिखाऊँ, जरा गौर करना। एक जीव ने बेनती की मालको आईलैट्स के नंबर घट आते हैं, 3 बार टैसट दिता 5 बैंड आए हैं, हूँ डर लगता कि 4th बार टैसट देव या नहीं, यही कहो कि जिद पैदा करो कि 3 बार
पांच नंबर आए है हुण मैं जिद करनी है मेहनत इन्नी करनी और अपने मालिक दे विश्वास रखना कि सत्त नंबर लैके दिखाऊ ये जिद है अच्छा करन दी भावना अपने अंदर लियाओ क्योंकि तुसी कमजोर नहीं हो इसी बार बार ये गल तुहानू याद क्यों दिलांदे आ कि तुसी कमजोर नहीं हो जे तुसी कमजोर समझ लिया फिर तुसी कमजोर हो तो जे तुसी विश्वास रखते हो कि सब तो बड़ी शक्ति तो मेरे अंदर बैठी है और वो परमात्मा कभी कमजोर नहीं हो सकता और मैं मानता है कि वो परमात्मा मेरे रोम रोम च बैठा है तो मैं कितना अपने आप को कमजोर समझा जे एड्डी वड्डी शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है तो मैं भी शक्तिशाली हाँ समझ दो कि नहीं ये जिद पैदा करो अपने अंदर खुद में साहस क्योंकि साहस होता मुसीबतों का सामना करन दा साहस कि मैं किसी मुसीबत तो नहीं डरता जरा सोच के देखो नहीं तो पढ़ के देखना कहते हैं कि बहुत फकीर बहुत संत गुरु रहबर ऐसे हुए है कि जिन्हों बचपन में ही ना शुकरात नू शुकरात एक बहुत बड़े संत हुए है जो उन्होंने पैदाइश हुई थी तो किसी ज्योतिषी ने कह दिता सी ये बड़ा क्रूप है इन्हें खूनी कातल बनना है इन्हें बहुत बुरा इंसान बनना है तो माता पिता को फिक्र हुई ये तो साडा बच्चा सच्ची ने इदा बन जाए कहते ये ना मत्थे लकीर या ये कर्म ही इदा दे इन्हें बुरा बनना है पर शुकरात बने एक बहुत बड़े दार्शनिक बहुत बड़े फकीर बहुत बड़े संत और कहा जाता बहुत बड़े ज्ञानी भी सी हुण जदों उन्होंने उस मंजिल नूं पाया तो उन्होंने अपने सेवकां नूं भेज के स्पैशल उस ज्योतिषी नूं बुलाया अपने कोल जिहड़े ज्योतिषी ने बचपन च भविष्यवाणी कीती सी कि इहदे हत्थां दीआं लकीरां जां इहदे मत्थे लेख इदां दे कि ना बुरा इंसान बनना है जदों बुलाया तां ज्योतिषी पहचान नहीं पाया कि उही है तां शुकरात ने बुला के बड़े प्यार नाल उन्हां नूं खाणा पीणा खिलाया थोड़ा तोहफा दित्ता तो उस वेले जो ज्योतिषी खुश होकर जान लगा ना तो शुकरात ने कहा पछाणिया तुसी मैनू पछाणिया तुसी मैनू तो उस वेले ज्योतिषी ने गौर ना देखिया क्योंकि उन्होंने ना चेहरा इन्ना सुंदर नहीं सी चेहरे पर कई दाग सी तो ज्योतिषी ने देखिया कि देखिया देखिया लगता बचपन च ना बच्चे नू फिर शुकरात ने अपना हथ अगे किया कहिंदा लो मेरा हथ देखो जो हथ देखिया वो ज्योतिषी देख के हैरान के तो वह बच्चा सी जिन्हों मैं कहा सी खूनी बनना पापी बनना है ना तो एडा बड़ा ज्ञानी एडा बड़ा संत बन गया ये किस तरह हुण कहिंदे जो ज्योतिषी ने देखिया कि हत्थां दीआं लकीरां तो हाले भी ये कह रही है कि ना एक बुरा इंसान बनना है पर यह इन्ना अच्छा किदा है जो इस शशोपंच सी तो उस वेले शुकरात ने मुस्कुरा के कहा कि ए ज्योतिषी तुसी मेरे हत्थां दीआं लकीरां तो देख लईआं पर मेरे माता पिता का और मेरा विश्वास नहीं तुसी देखिया ये विश्वास अपने रब ते होवे तां हत्थां दीआं लकीरां जो मर्जी होण रब वह भी कर दिंदा है जो नामुमकिन होवे सो असीं तुहानूं भी कहांगे कि अपनी हत्थां दीआं लकीरां दी फिकर छड्डो क्योंकि बंदा की करदा है अफलाने पंडित को जाके लकीरां दिखावां अफलानी जगह जाके लकीरां दिखावां तां नहीं बल्कि असीं लकीरां दिखाण दी बजाय अपने अंदर विश्वास का पौधा लाइए अपने मालिक ते विश्वास करना शुरू करिए क्योंकि जे विश्वास अंदर सच्चा पैदा हो गया ना तो लकीरां की कह रही है फिर दुनिया की कह रही है उसकी परवाह नहीं होंदी फिर तो होंदा उही है जो परमात्मा चाहता है और जेड़ा उत्ते विश्वास रखता उसका बुरा तो कदी कह दियो हो ही नहीं सकता फिर तुसी चाहते हो ना तुहाडा अच्छा होवे फिर दो चीज़ा जां तां लकीरां की फिक्र करके दुखी होंदे रहो तो जां अपने मालिक दे विश्वास करके अपना रस्ता खुशियां की तरफ बोल लो अपना रस्ता कामयाबी की तरफ बोल लो क्योंकि जिन्हां दे अंदर अपने प्रभु का अपने मालिक का सच्चा विश्वास पैदा हो जाता तो विश्वास के अंदर वो शक्ति है जो असंभव नूं संभव कर दिंदी है बोलो समझ दिओ कि नहीं तुसी इसलिए अज तो यह चीज़ हमेशा ख्याल रखनी कि असी अपने मालिक ते अपने परमात्मा ते अपने प्रभु ते चाहे ईश्वर कहिए अल्लाह कहिए वाहेगुरु कहिए नाम सारे ओहदे है बस सानू वो शक्ति ते विश्वास होना चाहिए कि कोई है जो हर कदम ते मेरी हिफाजत करेगी बोलो समझ दिओ कि नहीं बोलो रखोगे कि नहीं विश्वास है आवाज़ जरा घट आई है क्योंकि ये विश्वास का बीज जिदा पहले ही असी कहा कि सबके दिलों में विश्वास के बीज बोता हूँ ये अगर विश्वास का बीज तुहाडे जीवन च बीज हो जाए तो इहदा फायदा भी तुहानू ही होना है तुहाडे जीवन के डर तुहाडे जीवन दीआं चिंतावां तुहाडे जीवन दीआं मुश्किलां दूर होनिया शुरू हो जाएगियां तुहाडा जीवन अज तो ही बदलना शुरू हो जाएगा अगर तुसी अज ही ये विश्वास लैके इत्थों ना कमरे चो बाहर निकलो हाल चो बाहर निकलोगे कि अज तो मैं सारे डर सारिया चिंतावान छड़िया अज मैं अपने मालिक का प्यार अपने मालिक का विश्वास नाल लैके जा रहा हाँ और यह गल याद रखो जिहड़ा विश्वास नूं नाल लै लैंदा ना फिर उहदी रहमत हर कदम ते उहदा साथ दिंदी है
और तुसी चाहते ना हर कदम से परमात्मा की रहमत उसकी कृपा तुहाडा साथ देवे। तो फिर अज तो डर चिंतावां छड़ के अंदर एक विश्वास लैके जाना है, अंदर एक भरोसा लैके जाना है। बोलो लौंगे कि नहीं, फिर कह दियो मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा। देखो आ विश्वास। अच्छा एक गल सच दस्यो, इन्ना गल कहण नाल अंदर कोई फील हुंदा कि नहीं, एक खुशी आती है कि नहीं, एक अंदर आनंद आता कि नहीं। बस यही तो चीज़ होंदी है। हुण तुसी सोचो कि तीन बार कहण दे नाल ही तुहानू अंदर कुछ फील हो रहा है, तो जदों हर वेले साडे अंदरों ये आवाज़ आएगी, हर वेले अंदरों एक आवाज़ निकलेगी कि मैनू अपने मालिक दे विश्वास है कि मेरा मालिक मेरे, इसलिए जो मेरे नाल है तो फिर आप सोच के दस्यो कि जे परमात्मा साढ़े नाल होवे तो फिर बुरा कभी हो सकता है। जिदा बुले शाह ने बड़ा प्यारा लिखिया ना कि मुर्शद साथ हो, कामिल मुर्शद साथ हो तो जिंदगी मजा बन जाती है, बिना मुर्शद के तो जिंदगी सजा बन जाती है। कहते जे कामिल मुर्शद नाल होवे तो जिंदगी मजा बन जाती, फिर बंदे नू हर जगह आनंद ही आता, बंदा कहता मजा आ गया। फिर खाना खाने भी मजा आता है और ध्यान करन दा भी मजा आता है, दुनिया से विचरन का मजा आता, काम कार करन दा भी मजा आता है, क्योंकि एक विश्वास हुंदा कि कोई मेरा है जो मेरी संभाल करने वाला है, मजा बन जाती है जिंदगी। जिदा तुसी महाभारत की कथा सुनी होगी, इत्थे थोड़ी याद दिलावांगे तुहानू कि जदों हुण गौर करना, कहिंदे एक दिन ना जदों युद्ध जित लिया तो एक दिन अर्जुन बैठा होया सी, अर्जुन बैठा होया कुछ यादा च खोया सी, तां उत्थे युधिष्ठर आ गया। युधिष्ठर ने पुछया अर्जुन की गल बई, हुण तां असीं युद्ध जित लिया है, राज भी अपना हो गया, सब कुछ ठीक है, हुण तू उदास क्यों है, की सोच रहा है? तो उसले उन्हें अपने बड़े भरा युधिष्ठर की तरफ देख के अर्जुन ने कहा कि भाई साहब कि पता मन उदास क्यों है, क्योंकि जो युद्ध सी ना चारों पासे एक संकट सी, सब चारों पासे तकलीफां सी, पर सच दसा वो युद्ध च भी एक मजा सी, क्योंकि मेरे नाल हर वेले श्री कृष्ण खड़े होंदे सी। हुण युद्ध तां जित लिया, महल तां मिल गए, पर वो मेरे तो दूर हो गए, वो द्वारका चले गए, तो मैं इत्थे बैठा हाँ। हुण वो पलां नूं मैं याद करके, जिदा बंदा कहिंदा पल मिस कर रहा जदों मैं उन्हां दे इन्ना नेड़े सी कि वह मेरा रथ चलाते थे, मैं उन्होंने कोल खड़ा सी, जो दिल करता सी उन्होंने गल करता सी तो जवाब मैं देंदे सी, जे मैं कितने गलती करता सी मैं समझाते सी, बड़ा मजा सी वो युद्ध च भी मजा सी मेरे वास्ते। हुण गौर करना है ये मतलब की है इत्थे कि अगर तुहाडे जीवन च मुश्किल है ना, अगर तुहाडे जीवन च परेशानियां है, अगर तुहाडे सामने दुखों की सेना भी खड़ी है, तो याद रखो अगर मुरशद तुहाडे नाल है सलाहकार, तो वह दुखों की सेना या वह दुखों युद्ध करदे भी तुहानू मजा आएगा, क्योंकि पता है कि मेरा मुरशद मेरे नाल है। जरा हुण गौर करना, हुण इह पांडवों की जिंदगी युद्ध करदिआं होइआं अर्जुन की जिंदगी मजा बन गई, पर हुण गौर करना जदों जुआ खेड रहे सी उसले श्री कृष्ण नाल नहीं सी। तो कहिंदे ने जब मुरशद साथ ना हो तो जिंदगी सजा बन जाती है, तो फिर जदों उन्होंने जुआ खेडिया तो फिर की होया, क्योंकि उसले श्री कृष्ण की सलाह नहीं ली, श्री कृष्ण का साथ नहीं लिया। नहीं तो जरा सोच के देखो, कहिंदे जदों दुर्योधन ने पांडवों नूं जुए वास्ते बुलाया, बैठ गए, तो दुर्योधन ने बुलाया अपने मामे नूं, मामा शकनी मेरे वालों पांसा तू फेंकना है, तो काश उस वेले युधिष्ठर कह लैंदा कि ऐ श्री कृष्ण आ जाओ मेरे वालों पांसा तुसी फेंकना, तो फिर सोचो जित कि होनी सी। सोच के देखो आपे, जे एक पासे शकनी शैतान सी तो दूजे पासे कृष्ण भगवान सी, फिर जित तो हमेशा भगवान की होनी सी। पर उस वेले यही तो पांडवों तो भुल हो गई कि राज भी सी, सब कुछ सी, खुशियां सी, पर श्री कृष्ण का साथ नहीं सी, तो वह जुआ भी सजा बन गई, क्योंकि उतों ही तो दुख शुरू हो गए। फिर बर्बास हो गया 14 साल का, फिर किन्ने दुख गए, राज भी गया, सब कुछ गया, पर जिस वेले युद्ध में श्री कृष्ण का साथ ले लिया तो युद्ध भी उन्होंने वास्ते मजा बन गया। इदा के बुरे हालातों में भी श्री कृष्ण उन्होंने कढ के खुशियां तक लै गए। इनू कहिंदे मुरशद के साथ का असर। तो तुहाडे जीवन च भी अगर मुश्किलां है, परेशानियां है, तो तुसी भी ये देखना है कि साडे नाल साडा साथ देने वाला साडा मुरशद नाल है कि नहीं। इसलिए फिर कहांगे गल तुसी भी याद रखना
ਕਿ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਸਾਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਸਾਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕੇ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਰਨਾ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਹਰਲੇ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਥ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ, ਔਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਡਰ ਗਏ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ, ਜੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਨਕੁਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਉੱਠ ਅਰਜੁਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਮਰੂੰ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਪਾਂਡਵ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕੁਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਸੌ ਜਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭਾਈ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
पर मैं जिस ते विश्वास करता ना उहदे को मेरी हर मुश्किल दा हल है, तो तुहानू भी रस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बोलो, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कुछ चीज़ां दे हल बंदे को नहीं हुंदे, पर उहदे को हर मुश्किल दा कह दिओ हल हुंदा है। बस उत्ते विश्वास करन दी लोड़ है। अज बंदा कर कुछ नहीं सकता, बस चिंता कर करके अपनी नींद, अपनी सेहत, अपना सब कुछ बंदा गवा दिंदा है। उत्थे बंदा रखे कि विश्वास रखा, और जो विश्वास रखते हैं अपने मालिक ते, तो याद रखो हर मुश्किल दे विचों निकलता रास्ता भी वो मालिक दिखाना शुरू कर दिंदा है। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा ना, कई बार कही दा, इत्थे भी कहना चाहवांगे कि बुल्ले शाह कहिंदे, बुल्लिया रब ते रख भरोसा ना फिर डामा डोल, एक भरोसा रहमत वाले कई दर दिंदा। वो कहिंदे एक भरोसा रहमत वाले कई दरवाजे खोल दिंदा है। सो तुहाडे वास्ते भी रहमत दे कई दरवाजे खुल सकते हैं, तुहाडे वास्ते भी कामयाबी दे कई दरवाजे खुल सकते हैं, तुहाडियां भी मुश्किलां दे हल हो सकते हैं, अगर तुसी भी अपने रब ते अपने मालिक दे विश्वास रखो। तो फिर तुसी देखोगे कि जिथे तुहाडा दिल डरिया हुंदा है ना, जिदां असीं हमेशा एक गल कही दी, इत्थे भी कहना चाहवांगे कि सफलता दे लई तीन चीज़ां दा होना जरूरी है। बोलो, समझदे हो कि नहीं? सफलता दे लई तीन चीज़ों का होना जरूरी है। वो तीन चीज़ा केड़ियाँ है? सफलता दे लई तीन चीज़ों का होना जरूरी है, विश्वास, साहस और मेहनत। बोलो, समझदे हो कि नहीं? बाकी असफलता वास्ते, हारन दे वास्ते तो डर ही एक काफ़ी है। समझदे हो कि नहीं? हारना होवे तो एक डर ही बहुत है, पर जे जितना होवे तो विश्वास, साहस और मेहनत। क्योंकि याद रखो, विश्वास कहदा कि मैनू विश्वास है अपने मालिक ते, हर कदम ते मेरे नाल है। साहस कहदा कि जे मेरे रस्ते च कोई मुश्किल आएगी भी तो मैं हार नहीं मननी, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मालिक मेरे नाल है। और मेहनत कि मैं हर तरह का कर्म करने वास्ते तैयार हाँ। समझदे हो कि नहीं? इसलिए इदा समझो कि अपने अंदर ये सोचो कि जे मैं अपने मालिक की रहमत नू पाना है या जीवन च कामयाबी नू पाना है, तो उहदे वास्ते मेहनत मैनू कह दिओ करनी पैनी है। पर वो मेहनत के नाल नाल एक विश्वास भी होना चाहिए कामयाबी का, कि मैनू मेरा मालिक कामयाबी भी जरूर अता करेगा। इसलिए अज बहुत जीव इदा दे है इस वेले कि जिन्होंने कोई ना कोई दर्द है, कोई ना कोई तकलीफ है, यानी अंदर उन्होंने बॉडी ना कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो असं उन्होंने भी कहोंगे कि अगर उन्होंने अंदर कोई दर्द है, उन्होंने अंदर कोई पीड़ा है, उन्होंने अंदर कोई तकलीफ है, तो फिर वो एक गल अज ही अपने दिल च वसालन कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति बैठी है जिहदे को हर बीमारी का हल है। मेरे अंदर एक वो ताकत है, वो ताकत कहड़ी है? फिर कहांगे वो ताकत परमात्मा, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो निरंकार, वो ताकत है तुहाडे अंदर। समझदे हो कि नहीं? बस ये विश्वास करना है कि जिसने मैनू पैदा की तो मालिक मेरे नाल भी है, और मेरे रोम रोम दे विच उहदी रहमत, उहदी ताकत अपना काम कर रही है, क्योंकि उहदे नूर तो असीं बने हैं। और जे असीं उहदे नूर तो बने हैं तो फिर याद रखो कि जे उहदे नूर तो बने हैं तो फिर उहदा नूर यानी उहदी रहमत हर मुश्किल का हल कर सकती है, हर बीमारी नूं दूर कर सकती है। ये गल याद रखो। हुणे एक जीव ने ना सत्संग तो पहले चिट्ठी लिख के दित्ती सी कि मैनू आह प्रॉब्लम सी, हुण लंबी चौड़ी तो नहीं दसांगे, बस वह जीव खड़ जाण कित्थे कि सत्संग तो पहले ना लिख के दित्ती सी। हाँ, देखो ये दसदे आ कि मैनू आह प्रॉब्लम सी, मैं कई दवाइयां खादियां पर फर्क नहीं पिया, क्योंकि प्रॉब्लम बारे ही खुल के नहीं दस सकते कोई होंगी है प्रॉब्लम। इसलिए कहते बस मालको रहमत ली, और तुसी सत्संग किया विश्वास रखो कि मेरे दुख दूर हो गए, जो विश्वास रख के मैं रहमत ली तो नाल ही अगले दिन ही मैं ठीक हो गई। यानी कुछ चीज़ा ने जिहड़ियां सिर्फ कहानियां नहीं होंदियां, एक सच्चाई होंदी है। ये सच्चाई होंदी है कि अगर तुसी अपने मालिक की रहमत ते यकीन करते हो तो उहदी रहमत अपना असर दिखा भी दिंदी है। बोलो, समझदे हो कि नहीं? ऐसी ना पिछे जे बसी मुस्तफा सत्संग ते गए सी, हुण उत्थे दी घटना भी दस दी। उत्थे एक सरपंच है, एक्स सरपंच, वह दसदा कि उहदे हथ दे उपर ना एक बहुत बड़ी गटी सी, रसोली सी। तो कहिंदे मैं डॉक्टर को अपॉइंटमेंट भी ले सी ऑपरेशन वास्ते, कि डॉक्टर कहिंदा भी ऑपरेशन करना पैना है। जरा हुण गल सच्ची दसण लगे, नहीं तो उहनां नंबर तुसीं सेवादारा को लैके उहनां नाल गल भी कर सकते हो जे तुहाडे मन च कोई शंका होवे, क्योंकि कई बार बंदा सोचदा शायद उहदी कहानी सुना रहे है। तो आप दसदा कहिंदा मालको पिछली जो अपने 11वीं सी अप्रैल महीने की विसाखी वाला दिन कहिंदा उस सत्संग च मैं आया सी, उतों ना 2 दिन बाद डॉक्टर को जाके मैं ऑपरेशन कराना सी, पर सत्संग दे विच तुसी
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਲੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਾਫੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ। ਗੁੱਡ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਸੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਬਸੀ ਮੁਸਤਫਾ, ਇਹ ਨਾ ਜਹਾਨ ਖੇਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਪੇਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਲੈ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰਖਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਿੱਜੇ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਵਰਸੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਮੋਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆ ਜੋ ਬੈਠੇ ਜਗੇ ਆਤਮਾ ਸੋਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਬਚਨਾਂ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ 11ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ 11ਵੀਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਲੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਸੱਤ ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ 7 ਰਾਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ,
इंतजार सी उन्हां नूं। और जो हजूर आए सतवीं रात आके दरवाजा खड़कान लगे, हाथ लाया दरवाजा पहले खुल गया। हजरत अबू बकर अंदर ही खड़े से समान लैके। हजूर कहते अबू बकर तू पहले ही तैयार है? कहते हजूर जो हुक्म होया मैं तो सत रातों तो तैयार खड़ा है कि मेरे महबूब नूं आके इंतजार ना करना पवे, वो आवे तो मैं पहले ही तैयार होवां। इहनू कहिंदे प्यार। जिते प्यार हुंदा उत्थे फिर इंसान पहले ही तैयार रहिंदा है। इसलिए तुसीं भी हुण तैयार रहना 12 तरीक नूं, क्योंकि प्यार है ना, यही तो मुहब्बत की गल होंदी है। और फिर कहांगे कि जो इज्जत अदाब से मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता, ये खुदा की रहमतों का फूल है जो बिना मुर्शद के नहीं खिलता। ये जेड़ा इंसान इज्जत करता है, जिहदे अंदर सत्कार हुंदा है, जिहदे अंदर प्यार हुंदा अपने मालिक दा अपने मुर्शद दा, तो फिर उहदे जीवन च खुशियां दा रब दीआं रहमतां दा फुल भी जरूर खिलता है। और सानू पूरा विश्वास है कि तुसीं भी विश्वास रखोगे तुहाडे जीवन च भी खुशियां दे फुल जरूर कह दिओ, मेरे जीवन च खुशियां दा फुल खिल, फुल खिल, फुल खिल। हस के दिखाओ फिर, स्माइल करो, याद रखना सारे बस इदां ही खुश रहना, तुसीं अपने चेहरे पर इदां ही सदा समाइल रखनी, क्योंकि यही एक नुकता है कि जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो नफरतों के पर्दे गिराना। यूं तो बहुत हैं दुनिया में मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मगर खुदा उनको मिलता है जो दिलों में प्रेम की शम्मा जलाना। पहले जला लो दिल च प्रेम की शम्मा, तो रब आप ही मिल जाएगा तुहानू, हमें दियो करो। पहले जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना, सो इसलिए मुस्कुराओ। जे जीवन च कुछ बुरा भी है ना तो वो अंदर भी अच्छा ही लभो। कहिंदे एक दिन हुण की करिए, समझाने बहुत कुछ है। तुसीं कहना मालक कहिंदे सत्संग खत्म करना, पर एक गल दस दईए, हुण फिर सत्संग नूं समाप्त भुख तां नहीं लगी तुहानू, थक तां नहीं गए? हस के दिखाओ फिर, आनंद आ रहा है तुहानू देख के? सानू बड़ा आनंद आ रहा है। सो इह दसना चाहवांगे कि एक दिन ना जदों श्री कृष्ण अपने गुरु के आश्रम च सी, तां कहिंदे है कि श्री कृष्ण के गुरु का नाम से संदीपनी ऋषि, तो उन्होंने आश्रम से जो श्री कृष्ण ज्ञान लेंदे सी गुरु को, एक दिन गुरु ने अपने सेवकों के इम्तिहान लैन की खातर ना अपने जिन्हें शिष्य से उन्होंने कहा चलो मेरे नाल, किधर लै गए एक पास बड़ी दुर्गंध आ रही है। की आ रही है? दुर्गंध आ रही, बैड स्मैल, बड़ी बुरी बदबू आ रही है। गुरु उधर लैके चले गए अपने कुछ शिष्यों, नाल श्री कृष्ण भी सी, समझ लो उन्होंने उम्र उस 16-17 साल की सी। तो जिस वेले श्री कृष्ण अपने गुरु के नाल गए, कित्थे लै गए कि जंगल च कुत्ता मरिया पिया है, कुत्ता मरिया पिया है, मांस उहदा गलिया होया है, कीड़े भी पे हुए, दुर्गंध बड़ी आ रही है। तो गुरु उत्थे खड़ गए और अपने शिष्यों नूं पुछदे है कि तुहानूं की नज़र आ रहा है, कुत्ते नूं देखो की नज़र आ रहा है? तो किसी ने कहा मारे मर गया है, कीड़े है, ये चो दुर्गंध आ रही है। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो गुरु ने कहा कृष्ण तेनू की नज़र आ रहा है? तू नहीं बोलता, तू हंस रहा है। कहिंदा महाराज मैं देख रहा हाँ, कुत्ता बेशक मर गया, मांस बेशक सड़ गया, कीड़े बेशक पै गए, पर दंद देखो कितना मोतियां वांगू चमक रहे हैं, दंद देखो किन्ने सोहने हैं, दंद कि दंद किन्ने सुंदर है, कितना सफेद दंद है, मोतियां वर्गे दंद है, दंद किन्ने सुंदर है। गुरु ने कहा वाह कृष्ण, उहदे नाले मोढे ते हथ मारिया, कहिंदे वाह कृष्ण इदां दे बुरे हालात भी तैनू चंगा ही नज़र आ रहा है, वाकई इदां दे बुरे हालात भी तैनूं चंगा नज़र आ रहा, तू इंसान नहीं तू भगवान है। ये गल तुसीं भी याद रखो, क्योंकि इंसान और भगवान में फर्क इन्ना की हुंदा है। इंसान चंगे हालात में भी माड़ा ही लभदा है, जिदा समझ लो उन्हूं 90 चीज़ा दे दित्तियां जाण फिर भी कमी लभदा कि आह 10 चीज़ा नहीं मिलियां। तो जिहड़ा भगवान हुंदा है ना, जिहदी सोच उच्ची हुंदी है, वह हर बुरे विच भी कुछ ना कुछ अच्छा लभदा कि इहदे विच अच्छा की है। इसलिए अपनी सोच में भी ऐसा बनाओ। जो कहा ना श्री कृष्ण ने कि मारे मांस बेशक गल गया, कीड़े बेशक पै गए, पर दंद देखो मैं दंदा नूं देख के हंस रहा हाँ कि दंद कितना चिट्टे मोतियां वांगू चमक रहे हैं, यानी वह बुरी जगह भी उन्होंने अच्छा लभ्या। अज तो तुसी भी अपनी सोच में ऐसा बनाना, फिर तुसी भी उस मंजिल तक पहुँच जाओगे, क्योंकि गुण अपने अंदर पैदा करके असी उहदे नाल मिल सकते हैं। बोलो समझ दिओ करे, जिदा असी कई बार ये जिक्र करीदा ना कि एक जगह अगर डॉक्टर की मीटिंग हो रही है, एक कमरे में एक मीटिंग हॉल में डॉक्टर है और सामने एक डॉक्टर आता, एक टैक्सी ड्राइवर आता है,
तो हुण जरा जवाब देना कि वह मीटिंग हॉल में टैक्सी ड्राइवर जाएगा या डॉक्टर जाएगा? कौन जाएगा? डॉक्टर क्यों जाएगा? क्योंकि वह डॉक्टर बैठे है तो जिहदे अंदर वह गुण है ना उही वह मीटिंग हॉल में जाएगा और मीटिंग करेगा। टैक्सी ड्राइवर को तो बाहर ही रोक दिता जाना कि भाई डॉक्टर की मीटिंग है तू नहीं अंदर जा सकता। हालांकि इंसान वह भी है तो इंसान वह भी है। तो जो टैक्सी ड्राइवर कहे वो भाई मैनू जान दो मैं तो सारी सारी रात बह के ना मेडिसन 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 की माला जपदा यानी मैं गोलियां होंगी ना पैरासीटामोल 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 की माला जपदा मैं सारी सारी रात बह के उन्हें कहे माला जपना की होना पैरासीटामोल पैसा पैरासीटामोल कर रहा गुण चाहिए है फिर ही उत्थे तक पहुँच सकता है। सो ये दसना की चाहते इसी तरह परमात्मा वाले भी गुण साढ़े अंदर होने चाहिए फिर ही असं उदे तक पहुँच सकते हैं। तो जे बंदा कहे सारी रात मैं रब के नाम की माला फेरता तो कल माला फेरन नाल गल नहीं बननी। इसलिए अपने गुण और रब के गुणों अगर तुम एक पेपर से लिखो ना तो सामने लिस्ट आ सकती है आ जानी कि नहीं। हुण जरा पुछ के देखो रब के गुण किहड़े है? रब के गुण है सब नाल प्यार करना करना कि नहीं। परमात्मा का गुण है सब नूं क्षमा करना। रब के गुण सब ते दया करनी सब नाल प्यार करना सब नूं क्षमा करना सब ते दया करनी सब नूं खुशियां देनियां। तो हुण बंदा अपने गुण देखे कि सब नाल नफरत करनी किसी नूं माफ़ नहीं करना सब नाल क्रोध करना फिर जे साडे गुण इदां दे तां साडी मुलाकात परमात्मा नाल कदी कह दिओ। इसलिए अज तो अपने गुण बदलने हैं असीं अपने अंदर प्रेम भावना पैदा करनी है क्षमा भावना पैदा करनी। तो नाले जिदा दसिया है कि जे कुछ बुरा भी हालात है ना तो उत्थे भी कुछ ना कुछ अच्छा दिखना है। तो फिर तुसी की पाओगे कि अगर आ चीज़ नहीं है तो मेरा मालिक जो करता अच्छा करता इस भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है मैनू खुशी भी मैनू कामयाबी सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे। तो अज तो करूँगे कि नहीं है और 12 तरीक नू जरूर पहुँचना है क्योंकि 11वीं रोज़ का दिन है और उसके नाल एक जीव होर भी है बोपा राय पिंड तो आए हुए इत्थे जीव उन्होंने बेनती की कि मालको संगत को कह देना कि 15 तरीक का सत्संग बोपा राय में हूँ जा रहा सर्वसांझा सत्संग वो पिछे जीव खड़े है वो बेनती करके गए हैं कि मालको संगत को कह देना कि असी दिलों सारे नू सदा दे रहे हैं कि बोपा राय सत्संग दे विच सर्वसांझे सत्संग दे विच शामिल हो के वो साडे सत्संग की रौनक नू वधाउण तां मालक दी रहमत हासिल करन। सो इन्हां दी बेनती साडे कोल आई सी और इन्हां दी बेनती नू तुसीं भी कबूल करना है। तो जिहड़े जी बोपा राय पहुँच सकते हैं जरूर पहुँच के उत्थे भी सत्संग का आनंद लेना बैठ जाओगे ठीक है। बोपा राय एड्रैस पूरा लेना तो सेवादार हो तुसीं लै सकते हो। बाकी हुण टाइम काफ़ी हो गया है फिर अंत में कहांगे कि अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ अपना जीवन ऐसा बनाओ कि असी डर के या चिंता करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी बल्कि अपने मालिक ते विश्वास रखना है अपने मालिक ते यकीन रखना है। और फिर कहांगे कि खुद में साहस और जिद करो इतनी पैदा कि खुदा भी देने पर मजबूर हो जाए या दूजे लफ्ज़ां च असी कहीदा है क्योंकि बहुत जीव नवे बैठे है उन्होंने दिमाग से गल बिठानी चाहवांगे असी के सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती भरोसा रखना खुद पर और खुदा पर फिर वो भी मिल जाएगा जिसकी कोई आस नहीं होती। कि अपने आप से तो अपने मालिक से भरोसा रखना फिर वो भी तुहानू मिल जाएगा जिहदे बारे बंदा सोच भी नहीं सकता हो सकता है वो भी हो जाता है। क्योंकि फिर कहांगे कि जिस तरह दसिया ना कि कई बार बंदा कहना मेरे काबू च आ चीज़ नहीं है पर मेरे मालिक के हाथ च सब कुछ है बस मैं उत्ते विश्वास रखना है और कभी निराश नहीं होना। सो अज तो अपनी हिम्मत नू अपने हौसले नू बुलंद करो तो फिर जिंदगी का हर पल जिंदगी की हर कड़ी तुहानू कामयाबी आनंद की तरफ लै जाएगी। इसलिए हुण कह दिओ आखरले वचना च कि मैनू अपने मालिक ते पूरा मैनू अपने मालिक ते पूरा मैनू अपने मालिक ते पूरा मेरिया झोलियां खुशियां नाल मेरिया झोलियां खुशियां नाल मेरिया झोलियां खुशियां नाल मेरे सारे दुख दूर मेरे सारे दुख दूर मेरे सारे दुख दूर मेरा मालिक मेरे मेरा मालिक मेरे मेरा मालिक मेरे। बस इसी तरह विश्वास रखना है तो मालिक हर कदम पे हर पल तुहाडे नाल है। उस एक याद आ गया सानू कि छोटे बच्चे ने ना पर्ची लिख के दी सी हुणे पढ़ी सी सत्संग ते बैठन तो पहला वो बच्चा कोई शायद समीर नाम का बच्चा उन्हें लिखा कि मालको मैं तुहानू बहुत प्यार करदा है कित्थे बच्चा थोड़ा उठ के खड़ जाए
छोटी जी परची दिती सी हुणे आ देखो आ निक्की जी परची है आ देखो निक्की जी परची बच्चे ने लिखी हुई है मालक जी समीर तुहानू बहुत प्यार करता है लै भी समीर असीं भी तैनू बहुत प्यार करते हैं क्योंकि असी हमने देखा वाकई जो मालकों प्यार करता वही मालक भी और वही तुम्हें भी सारे बहुत प्यार करते ना सोचो नहीं करते क्योंकि इन्ने प्यार इन्नी दूरों दूरों चल के तुम इतने पहुंचे हो वाकई असी तुम्हें भी दिलों प्यार करते हैं और ये कहोंगे कि जे वाकई तुम सूँ प्यार करते हो तो अपने वालों पूरी जान लगा देवे तो जीवन खुशियां रंग भरन की क्योंकि जेदे नाल प्यार हो जाता ना फिर हर मुश्किल च हर परेशानी च उसका साथ भी दिता जाता और उन्हें परेशानी चो कढ़न की पूरी कोशिश भी की जाती है क्योंकि लजपाल प्रीत नू तोड़दे नहीं इहदी बांह फड़ लैंदे फिर तो फिक्र ना करो तुहाडी बांह फड़ी है तो हुण छड्डनी नहीं है असीं समें दिओ कि इसलिए असीं वाकई और ये ना सोचो कि सिर्फ एक गल कहण दी है जे वाकई क्योंकि कहिंदे आ ना कि जिहड़ा उहदा हो जाता है ना फिर वो मालक कहिंदे जे तू मेरा हो गया तो मैं तेरा हाँ इस करके जे तुसी दिलों कहते हो कि मैनू अपने मालिक ना प्यार है तो जाओ फिर मालिक की आवाज़ भी कि मैं भी तेरे ना बहुत प्यार करता है और जिद ना वो प्यार करे तो जिदा अर्जुन ने कहा कि मारे मैं ता ही तो आराम ना सुता कि मेरी चिंता करने वास्ते तुसी बैठे हो फिर तुसी भी आराम ना सोचे हो जाके बस यही सोचो कि मैनू ना अपने मालिक पर विश्वास है जो मेरे ना प्यार करते तो मेरी चिंता भी वो आप करे तो जो बैठा मेरी चिंता करने वाला तो मैं क्यों फिक्र करा अज तो चैन की नींद सुबह बैठे हैं अभी समझते हो कि टेंशन नहीं लैनी कोई भी अगर कोई जीवन मुश्किल परेशानी है तो बैठे हैं सुनने वाले क्योंकि कभी नहीं सोचना कि मैं कल्ला हाँ कौन मेरी सुनेगा जे मेरे जीवन मुश्किल आई तो कौन दूर करेगा बस ये यकीन रखना है कि कोई होर सुने ना सुने मेरा मालिक जरूर सुनेगा कोई होर साथ देवे ना देवे मेरा मालिक जरूर साथ देगा और जिन्हों वह साथ मिल गया तो फिर कहोंगे साथ जब से है तुम्हारा मिल गया डूबते दिल को किनारा क्या जरूरत अब सहारो की मुझे जब मुझे तेरा सहारा तब से हर एक चीज प्यारी हो गई जब से तेरा प्यार प्यारा तब से है आंखें झुकी रहती सदा जब से है तेरा नजारा मैं भटकता फिर रहा नादान था तू मिला रब का द्वारा बस हूं भटकन की लोड़ नहीं हूँ मालिक मिल गए है वह द्वारा मिल गया समझ लो रब तक पहुंच गए तुम और कोई कमी नहीं रहेगी मालिक तुहाडियां कमियां नूं पूरा करनगे आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरिया होएगा बस फिर कहांगे अज तो अपने अंदर प्यार विश्वास की ऐसी जोत जगा लो कि जिस तरह दसिया कि यूं तो बहुत है दुनिया में मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे मगर खुदा तो उनको मिलता है जो दिलों में प्रेम की शम्मा जलाना जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना ये मुस्कुरा के दिखाओ उधर हूँ कह सकते हो मेरी जिंदगी जिंदगी है नहीं तो कादी जिंदगी उदासी च बैठे रहना इसलिए घर जाके ना जो भी सवेरे उठते हो हाथ मूँह धोते हो ब्रश करते हो तो उसले शीशे वाल थोड़ी देर देखो और मुस्कुराओ ये सोचो इन अखा नाल मेरे अंदर बैठा मालिक मैनू देख रहा है समझते हो मेरा मालिक मैनू देख रहा और मेरे मालिक मैनू कि देखना चाहते हैं मुस्कुरादियाँ हो देखना चाहते हैं ताही तो तुम हर सत्संग तो पहला कही थोड़ा हसो मुस्कुराओ समझते हो कि नहीं वाकई असं तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और फिर कहोंगे कि तुहानू खुश देखना चाहते और तुहाडी खुशी की खातर असीं कुछ भी करन नूं तैयार हां खुश रहना हमेशा खुश करन नूं तैयार मतलब मेरी बांधी भगत छड़ावे बांधे भगत ना बस ये समझ लो तुसीं अंदर विश्वास रखो यकीन रखो भरोसा रखो अपने मालिक ते आने वाला समा तुहाडे वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होएगा और हुण अंत विच इही उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सब नूं नाम नाल जुड़न की ताकत देण नाम जपण की ताकत देन सेवा सिमरन करन दा नेक मार्ग ते चलन दा मालिक तुहानू बल बख्शन और अज जिन्ने भी जीव इस सत्संग विच शामिल होए है मालिक तुहानू सब नू खुशियां दे नाल रहमतां दे नाल बरकतां दे नाल भरपूर करन आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे और जिन्ने भी कदम तुसी चल के सत्संग की तरफ आए हो एक एक कदम से हज़ारा नेकियां नाल परमात्मा तुहानू भरपूर करे एक एक कदम से हज़ारा नेकियां तुहानू मालिक अता करे और अपनी रहमत अपनी बख्शिश अपनी कृपा दया मेहर हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन आने वाला समा तुहाडे वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे तंदुरुस्ती भरिया होवे सदा तुसी हसदे मुस्कुराते खुश रहो जरा हस के दिखाना एक बारी बस इस वेले जिदा तुसी मुस्कुरा रहे हो ना इस वेले जिदा तुसी खुश हो ये मालिक इन्नी रहमत करन के खुशी ये आनंद सदा तुहाडे जीवन च
बनिया रहे, तुहाडे जीवन च आनंद ये खुशी वधदी चली जाए, तुहाडे जीवन च अपने मालिक के प्रति प्यार विश्वास वधदा चला जाए, ताकि तुसीं ये जीवन का पूरा पूरा आनंद लै सको और अपने जीवन को सफल बना सको और अपनी रहमत सदा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। यही साडी उस मालिक के चरणा च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटिया शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।